हेलो एवरीवन, डी एक्सपर्ट लाइव में मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, हम यहां पे रीजनिंग के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और ये उसी सीरीज़ में अगला आपका टॉपिक है। ये टॉपिक है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़। दोस्तों, आज हम श्रृंखला में सीरीज़ में इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको मालूम होगा, लास्ट वीडियो क्लास में हमने नंबर सीरीज़ को सॉल्व किया था, आज हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अल्फ़ाबेट सीरीज़ काफ़ी इजी पार्ट होता है। दो तरीके के इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सिंपल अल्फ़ाबेट सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म क्या होगा और एक आता है आपका रिपीटेशनल सीरीज़ यानी कि कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में। हम दोनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन और उनकी ट्रिक्स, सॉल्व करने की ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन के बारे में। और ये मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप ये सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं हम एक एक करके 5ों का सॉल्यूशन यहाँ पे समझते हैं कि क्या इनका आंसर आएगा और किस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बी डी एच आई जे क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको ये टर्म फाइंड करनी है और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों, जब भी हम सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे 1 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 2, तीसरे टर्म में 3 अल्फ़ाबेट हैं, चौथी टर्म कुछ दी नहीं है और पाँचवीं टर्म में 5 अल्फ़ाबेट हैं। इसका मतलब है ये चौथी टर्म में कितने अल्फ़ाबेट आने वाले हैं, 4 अल्फ़ाबेट आने वाले हैं। इन चारों की अगर हम बात करें तो देखिए क्या आएगा। तरीके करने के 2 हैं, सिंपल तरीका ये है, बी सी छोड़ा डी ई आया, ई के बाद एफ छोड़ा जी छोड़ा एच आई जे आया। देखिए, पहले मैं एक अक्षर छोड़ा था, दूसरे में 2 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं, तीसरे में 3 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, यानी कि कौन कौन से 3 अल्फ़ाबेट, देखिए एच आई जे, अब जे के बाद क्यू आर एस छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी छोड़ा डी ई, एफ जी छोड़ा एच आई जे, जे के बाद देखिए जे के बाद हम क्या छोड़ेंगे, के एल एम, 3 अल्फ़ाबेट छोड़े, आ गया क्या यहाँ पे, एन ओ पी क्यू, क्योंकि 4 अल्फ़ाबेट तक हमें लाना था। अब देखिए क्यू के बाद आर एस टी यू, कितने अल्फ़ाबेट छोड़ने पड़ेंगे हमें, 4 छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके हमें फिर क्या आएगा, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, एन ओ पी क्यू हमारा आंसर हुआ। एक तरीका ये करने का था, दूसरा तरीका मैं दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, आपको सभी अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम है, प्लेस वैल्यू, मतलब जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, जेड की 26 होती है, इस तरीके से ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए प्लेस वैल्यू मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा किस तरीके से आप उनको याद रख सकते हैं। चलिए हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ओ का 15, यू का 21, जेड का 1, पी होता है 16वें नंबर पे, आर होता है 18वें नंबर पे, डी होता है 4th नंबर पे, क्यू होता है 17वें नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे। बस अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपने कन्वर्ट कर ली नंबर सीरीज़ में। देखिए अब अपने आप आपको दिखेगा, 15 से 16 प्लस 1, 17 माइनस 6, तो ये भी क्या प्लस 1, यानी कि 15, 16, 17, अगला कितना होना था 18, कर दिया 21, 18, 18 माइनस 21, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, माइनस में 3। ठीक है, यहाँ पे 18 से 15 कितना हुआ, ये भी माइनस 3, तो अगला क्या होगा, माइनस 3, यानी कि 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। थर्ड वाले पे चलते हैं, 1 का क्या हो रहा है, 4, 4 का क्या हो रहा है, 7, देखिए 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7,
सेवन प्लस थ्री टेन, ठीक है। तो देखिए क्या आया, आर 18 पे क्या होगा आर, 12 पे क्या होगा एल, और 10 पे क्या होगा जे। तो हमारा आंसर क्या आया, आर एल जे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा, बड़ा इजी है। चलिए तीसरे वाले को आप कर सकते हैं सॉल्व। तीसरे वाले की हम वैल्यू पता करते हैं, तीसरे वाले में क्या आएगा। देखिए जेड को हम लिखेंगे 26, ए को 1 लिखेंगे, सी को 3 लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे 24, 3, 6, वी का होता है 22, 5, 9, टी का होगा 27 और ये 12। अब देखिए फिर से अल्फ़ाबेट सीरीज नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट हो गई है। चलिए सॉल्व करेंगे, 26 से 24 यानी कि -2, 24 पे 22 -2, 22 से 20 -2, 20 से कितना होगा 18, तो 18 मतलब बोले तो R। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे 1, 3, 5, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 यानी 9 पे आएगा आपका I। थर्ड देखिए 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12 और 12 प्लस 3 15, 15 मतलब O, तो R I O आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे R I O आ गया। तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके, बड़ा इजी क्वेश्चन था दोस्तों। नंबर सीरीज में कन्वर्ट करके करोगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन एल पी क्यू, वही चीज़ है, आप चाहो तो इनका फिर से नंबर लिख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, एल 12, पी कितना 16, ये कितना 17, एन कितना 14, ओ कितना 15, ठीक है, और एस कितना 19, ठीक है। इधर देखो अगला, पी कितना 16, ये कितना 14, ये कितना 21, आर कितना 18, ये कितना 13 और ये कितना 23। अब देखिए नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट हो गया आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 12, 14, 16, 18, 20 यानी कि 20 पे आएगा टी। या तो आप इतना ही देख के कर सकते हैं, जिस ऑप्शन में टी है वो आपका आंसर होगा, नहीं तो आगे करिए। 16, 15, 14, 13, अगला क्या 12, 12 मीन्स एल। अगला देखिए 17, 19, कितना कम यहाँ पे देखिए कितना जुड़ा, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 2 23 और 23 प्लस 2 25, 25 मीन्स बाय, तो आंसर आया टी एल वाई, कन्फर्म। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वही लिखेंगे, सबसे सरल चीज़ हमें मिल गई, अब दूसरी चीज़ के साइड देखेंगे भी नहीं। 17 होता है, टी 20 होता है, एक्स 24 होता है, सी 3 होता है, ठीक है, एफ कितना होता है 6 होता है, जे कितना होता है 10 होता है, ठीक है। अगला देखो ओ 15 होता है, आर 18 होता है और ये होता है 22 होता है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से आया, 17, 20, 24, 3, 6, 10, 15, 18, 22। यहाँ पे देखो अब इसका इससे रिलेशन नहीं बन पा रहा, इसका इससे भी नहीं बन रहा, पर देखो ये क्लोज हमें दिख रहा है, 15 के क्लोज है 17, 15 के पास में 17, यानी कि क्या हुआ होगा यहाँ पे -2 हुआ होगा, बिल्कुल सही, क्या हुआ होगा -2 हुआ होगा, 18 आ गया, 24 -2 कितना हो गया 22 आ गए, बस यहाँ भी -2 नीचे ये वाली संख्या आ रही, इस वाले में -2 हो गए ये वाली संख्या आ रही, तो इसमें भी -2 होगा। सी 3 -2 1, 1 पे आएगा ए, 6 -2 4, 4 पे आएगा डी, 10 -2 8, 8 पे आएगा आपका एच, तो ए डी एच आपका आंसर हो। बड़े इजी क्वेश्चन थे दोस्तों,
चलिए ये हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन लिख दिए, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए 5 क्वेश्चन अलग अलग, ये एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन थे, अब हम दूसरे टाइप के अल्फ़ाबेट सीरीज़ में 5 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए अभी हमने 1 से लेकर 5 तो सॉल्व कर लिया, अब 6 to 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो अल्फाबेट सीरीज़ के ये 6 क्वेश्चन हैं, 6 ही अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, देखेंगे बड़े इजीली। आप चाहो तो फिर से वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हो, बाद में इस यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन समझ सकते हो। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल है, आर यू एक्स ए डी, ठीक है। अगर हम बात करें R, R को भी लिखेंगे 18, इसको लिखेंगे 21, इसको लिखेंगे 24, इसको लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे 4। नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो आप देखो 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 3 कितना होता है 27। अल्फ़ाबेट होते हैं 26 तक, आंसर आ रहा है 27, 26 मतलब जेड, जेड के बाद फिर से क्या आ जाएगा ए, तो 27 पे क्या आ जाएगा ए। 1 प्लस कितना 3 4, 4 प्लस 3 अगला क्या होगा प्लस 3 7, तो 7 पे क्या आ जाएगा आपका जी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया आपका आंसर जी आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे टी को क्या लिखेंगे 20 18 16 14 12, तो अगला क्या होगा यहाँ पे 10 और अगला क्या होगा यहाँ पे 8, तो 10 पे क्या होगा आपका जे होगा और 8 पे क्या होगा आपका एच होगा, तो दो आपके ये आंसर आ गए, दो क्वेश्चन मार्क दो आंसर, क्लियर है इजी है। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे नंबर भी दिए हैं और अल्फ़ाबेट भी दिए हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बड़ा आसान है, नंबर को नंबर के हिसाब से सॉल्व करेंगे और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, जैसे 2 है 4 हो रहा है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, यानी 2 4 6, अगला कितना ऐड होना चाहिए 8, सीरीज वही है ना 2 4 6 8, 14 प्लस 8 यानी कि 22 नंबर आ गया। अब अल्फ़ाबेट को देखेंगे बी सी, यानी कि बी सी, बी के बाद सी यानी प्लस 1, सी के बाद ई प्लस 2, ई के बाद एच एफ जी एच प्लस 3, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, अगला कितना होगा प्लस 4 होगा, तो प्लस 4 पे क्या आएगा यहाँ पे 8 प्लस 4, एच का कितना होता है 8, 8 प्लस 4 12, 12 यानी 12, 12 पे क्या होता है एल, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 1 4 9 16, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है 1 4 9 16, देखिए खुद समझ जाएंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अगला कितने का स्क्वायर होना चाहिए 5 का, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर आ गया आपका 25। अब नंबर को कर लो, यहाँ पे देखिए सी 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 12 होता है, 3 6 9 12 क्या आएगा 15, 15 पे क्या होता है ओ, ओ आ गया आंसर, यहाँ पे ये हो गया ओ। अगला देखिए 12 17, ये 12 होगा 17, सॉरी ये सॉरी इसको चेंज करना, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये ओ है तो ओ का कितना होगा 15, तो 12 15 18 21, यानी कितना हो रहा है प्लस 3, 12 3 15 15 3 18 18 3 21 21 3 कितना होगा 24, 24 पे क्या आएगा x, तो ओ 25x यहाँ पे आपका आंसर हुआ। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट देखिए r m s m s r s r m, अगर आप तीनों को देखोगे तो कोई अल्फ़ाबेट चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ है बस एक्सचेंज हुए हैं। देखिए फर्स्ट आर एम एस था, सेकंड में एम एस आर हो गया, थर्ड में एस आर एम हो गया, फोर्थ में क्या होगा
वही का वही होगा। देखिए तीन थे, तीनों बार चक्र घूम गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड था। अब ये कितना हो गया आपका, ये फर्स्ट पे आ गया, दूसरा वाला पहले पे आ गया, फिर तीसरा वाला पहले पे आ गया। अब क्या होगा, सबसे लास्ट जो है वो पहले पे आ जाएगा, सबसे लास्ट क्या है फिर आर आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, तो फिर से आर एम एस आ गया। ठीक है, देखिए आर एम एस क्लियर है, यहाँ पे ये हो गया आर एम एस। अब दोबारा से क्या स्टार्ट होगा, आर एम एस, वो देख एम एस आर, ठीक है एस आर एम, क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, तो वही चीज़ आ जाएगी आर एम एस। तो इस तरीके से आपने सभी टाइप के अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों अल्फ़ाबेट के अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं।